नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे कोविड-19 के बारे में, खास तौर से हमारे देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। पहले एक नजर डालते हैं दुनिया की क्या हालात पे, जैसे हम वर्ल्ड मीटर साइट पे ले जाते हैं आपको, वहां फिर चलते हैं। वहां अगर देखेंगे तो देखेंगे इस वक्त अमेरिका फिर रफ्तार पकड़ ली है, उस पे केसेस हर दिन, जो नए केसेस अब कहते हैं, वो फिर 75,000 पहुंच गया है। बीच में थोड़ा कम हो गया था। हिंदुस्तान में पहले हमारा 80-90 हजार कुछ हफ्तों तक चलता रहा, इस वक्त थोड़ी सी गति शिथिल हुई है, कम हुई है। अब करीब करीब 43,000 पिछले दिन में हमारी थी नए केसेस की। तो इसका मतलब है कि केसेस की बढ़त और केसेस की धीमी होना, ये हर देश में होता रहता है। इससे अगर हम इस निष्कर्ष पे पहुंच जाए कि अमेरिका का केस सिर्फ बढ़ता ही रहेगा और हमारे केस घटता ही रहेगा, ये सही नहीं होगा। अगर हम न्यूज क्लिक की चार्ट्स पे नजर डालेंगे, देखेंगे अमेरिका का भी जो संख्या है न्यू केसेस की, वो आप देखेंगे बीच बीच में घटा है, और हमारे जो संख्या है काफी हद तक नए केसेस की पहले चलता रहा। अब पहली बार हम देख रहे हैं, अगर हम देखेंगे ये हिंदुस्तान का नए केसेस का ग्रीन जो लाइन है, ये लाइन है, तो देखेंगे हमारा केसेस पिछले करीब 40 दिन धीरे धीरे घट रहा है। पर अमेरिका की चार्ट अगर देखेंगे तो देखेंगे कि उनकी केसेस एक बार चढ़ा, इसके बाद फिर नीचे आया, फिर चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर चढ़ने लगा है। तो इसका मतलब अमेरिका में इस तरह का उतार चढ़ाव 3 बार हो चुका है। हमारा पहली बार है कि हमारा संख्या 90,000 से करीब 42,000, करीब आधा पहुंच गया है। इससे क्या हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हमारा फिगर्स घटता ही रहेगा? तो ये जो है इसके बारे में चले इस चीज पे चर्चा करने कि एक पेपर निकला है अभी, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक कमेटी है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए, जहां मॉडलिंग करने के लिए कहा गया, मॉडलिंग की जो अलग अलग ग्रुप्स कर रहे हैं उसको इकट्ठा करके एक सुपर मॉडल करने की कोशिश की गई, और जिसके रिजल्ट्स हमारे पास इंडियन काउंसिल जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में फिलहाल ही निकली हुई है। उसमें इस सुपर मॉडल को पेश करते हुए जो 3 लेखक हैं, जो इनका 3 ऑथर्स है, उन्होंने कहा है कि 2 चीज इन्होंने हमको बताया। एक तो ये है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कई कई मिलियन लोग इसमें मौत के शिकार हो जाते। तो ये एक बात बहुत पहले से कही जा रही है, लॉकडाउन की क्या फायदे हैं मॉडल करके हम बताएंगे आपको। हम पहले भी इसकी जिक्र कर चुके हैं कि इसकी इन तथ्यों की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि मॉडलिंग के जरिए आप जो भी रिजल्ट चाहे वो दिखा सकते भूत के बारे में, भविष्य के बारे में भविष्यवाणी जो कर रहे हैं उसकी क्या सच्चाई है, वो तो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और ये तो 3 महीना के अंदर जो उन्होंने भूत के भविष्य के बारे में जो उन्होंने कहा है वो साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा ये घटता ही रहेगा और फरवरी तक ये करीब करीब खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों पे बात करने के पहले हम इसको पहले देखें, इसको देखें कि ये लोग है कौन। तो पहली बात है कि जो कमिटी बनाई गई थी उसमें और भी लोग थे जो एपिडेमियोलॉजी जानते थे, मेडिकल पब्लिक हेल्थ जिस डिसिप्लिन को कहा जाता है उसके बारे में वाकिफ थे, पर इस रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है। इन्होंने लगता है नाम देने से इनकार कर दिया। तो 3 लोगों के जो नाम है उसमें कोई भी एपिडेमियोलॉजी नहीं करते हैं, ना कि कोई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टीज उनके पास है। एक है मनिंद्र अग्रवाल, वो कंप्यूटर साइंस के हैं। एक है माधुरी कनेटकर, मिलिट्री में है, डॉक्टर है, और ऊपर
उनकी पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी की कोई इतिहास है नहीं जो हमारे सामने है। और तीसरा है एम विद्यासागर, वो कंट्रोल इंजीनियरिंग का अध्यापक रहे पहले और एक्सपर्ट माने जाते हैं, पर कंट्रोल इंजीनियरिंग का इससे कोई इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, इसके अलावा कि उनको मॉडलिंग करना आता है। तो मॉडलिंग करना तो बहुतों का आता है, क्यों, पर जो डिजीज की मॉडलिंग एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग जिसे कहते हैं, तो बीमारी कैसे बढ़ेगी, किस तरह चलेगी, उसकी मॉडलिंग के बारे में इन तीनों की कोई पहले इतिहास नहीं है। तो ये पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूं कि एक कहावत है जो डिज़रेली के नाम पे है, इंग्लैंड का एक प्राइम मिनिस्टर थे, कि देयर आर लाइज डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स से अब बहुत सारे चीज महाझूठ भी आप लोगों के सामने पेश करते हो। हमें लगता है आज के कंप्यूटर के युग युग में इसको थोड़ा बदल के कहना चाहिए, लाइज डैम लाइज एंड मॉडल्स, क्योंकि मॉडलिंग से अब कुछ भी साबित कर सकते हो जो आप चाहते, क्योंकि इस तरह की चीज की और लोग मर जाते अगर लॉकडाउन नहीं होता, इसका कोई प्रमाण मिल नहीं सकता। मॉडलिंग के बारे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि मॉडलिंग में हमको जो सिद्ध करना है वो अगर हम सिद्ध करने के लिए परिकल्पित है तो हम कर ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मामूली मॉडलर भी इसको कर लेता है। सवाल इसकी है कि क्या सच्चाई से मिलता है, इसका प्रिडिक्टिव पावर है क्या। तो पहली बात जी जो हमको आपके सामने हमने पहले भी रखा है, कई बार रखा है, कि मैथमेटिकल मॉडलिंग इस तरह के एपिडेमिक की कभी कोई कर नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हम जब बीमार पड़ते हैं अब किन लोगों को इन्फेक्ट करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द है, जिससे हमारी कनेक्शन है, और वह चीज मैथमेटिक्स अभी भी असमर्थ है उसको पकड़ने में, क्योंकि हमारी इंटरकनेक्शन एक दूसरे से क्या है उसको स्टैटिस्टिकल इस तरह की कोई कनेक्टिविटी डायग्राम या स्टैटिस्टिक्स किसी के पास है नहीं। तो यह चीज जो हम मॉडल करने की जब कोशिश करते हैं, हम बेसिक मॉडल जो इन्होंने भी किया है, इसको ACIR मॉडल की एक वेरिएशन कह सकते हैं, इन्होंने किया वेरिएशन में आपको बताऊंगा, वो यही है कि हर इंसान दूसरे इंसान के साथ कनेक्टेड है और उसकी इन्फेक्ट करने की संभावना बराबर है, जो हकीकत कतई नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर छोटे जगह की अगर मॉडलिंग करके कुछ बताना चाहेंगे तो शायद कर भी पाएंगे, पर अगर देश के पैमाने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ शहर के पैमाने पर भी अगर मॉडलिंग करेंगे तो आप देखेंगे ये सही नहीं निकलता। और ये जितने कोशिश अब तक हुआ है हम देखे हैं कि ये फेल कर चुका है दुनिया के तौर, आज तक कोई मॉडल इस तरह से सही प्रिडिक्शन नहीं कर पाया, क्योंकि इंसान की कनेक्शन, बीमारी की कनेक्शन, हमारी इम्यून सिस्टम की क्या रिएक्शन रहेगी, ये कतई इस तरह से एक सामूहिक देश के तौर पे या स्टेट के तौर पे या एक बड़ा पॉपुलेशन जो शहर भी हो सकता उसके तौर पे करना संभव नहीं होता है। अगर हम देखें जब पहले भी मॉडल्स की इस तरह की यूके के बारे में रहा है, दूसरे देशों के बारे में रहा, यही रहा है कि मॉडल्स जो बताता है वो सच नहीं निकलता, और वो बहुत ज्यादा बताता कभी कम बताता है। दूसरी बात हम देखें कि जो देश हमसे आगे इस पे गुजर चुके, इस रास्ते पे गुजर चुके हैं, वहां पर मुल्क चाहे वो यूके हो, इटली हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, सब मुल्क पे एक सेकेंड वेव देखने को मिल रहा है, और अमेरिका में तीसरा वेव देखने को मिल रहा है जो आपको बताया हमने। तो हिंदुस्तान में ये समझ लेना एक ही वेव रहेगा, इसका कोई इसका कोई बुनियाद नहीं है। तीसरी बात जो आपके सामने रखना चाहेंगे, ये देखते हैं इन मॉडलर्स ने क्या नया चीज कही है। तो उन्होंने एक तो चीज कही है कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको एक अलग कैटेगरी कर दी। कोई भी अभी तक मेडिकल साइंस जितने कर रहे हैं, जो इस बीमारी को पढ़ रहे हैं,
अध्ययन कर रहे हैं इसके बारे में, शोध कर रहे हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा है। एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो हमारे हैं वो अलग कैटेगरी है। वो कहते हैं कुछ लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग कम बीमार पड़ते हैं, कुछ लोगों का इन्फेक्शन होता है वो दिखता है, सिम्टम दिखता है, कुछ लोगों का सिम्टम दिखता नहीं है। इससे ये हम नहीं बता पाएंगे कि कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक ऐसे ही है कि उनके इम्यून सिस्टम भी ऐसा है जिसके वजह से उनको सिम्टम नजर नहीं आता। ये डिपेंड करता आप कितने इन्फेक्शन, वायरल लोड जिसे कहते हैं, इससे आप कितना प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों के संपर्क में आप रहे, कितने करीबी संपर्क में रहे, तब जो है आपके इन्फेक्शन ज्यादा होने की संभावना होता है। अगर ऐसे बंद जगह पे कुछ बीमार लोगों के साथ आप काफी वक्त रहे हैं, क्योंकि हवा से चलता है सबको मालूम है, और वहां पर वायरल लोड जिसे कहते हैं वायरस की संख्या काफी ज्यादा हो जाता है, इसीलिए आप ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ये मोटा मोटी रूप से ये एक चीज है, हालांकि इस पे भी बारीकियां है, पर इसीलिए ऐसे कैटेगरी कर देना एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो है वो एक कैटेगरी है, जो बीमार पड़ेंगे नहीं, ये एकदम बुनियादी तौर पे गलत है। क्यों किया गया है? क्योंकि इससे ये होता है कि हर्ड इम्यूनिटी की जो हम बात कई बार कर चुके हैं कि 60-70% लोग जब बीमार पड़ के ठीक हो जाएंगे तब हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होंगे जो हम शायद दोबारा बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। तो ये जो चीज है कि 60-70% लोगों की संख्या पहुंचने की जरूरत है, साफ है कि ये पहुंचते पहुंचते लाखों की मौत हो जाएगी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। तो इसलिए हमारा हमेशा जो हम कहते आए हैं इसमें, इस चर्चा में, कि वैक्सीन की जरूरत है, बिना वैक्सीन हर्ड इम्यूनिटी बन नहीं सकती। तो यहाँ पर जो लोग ऐसे मैथमेटिक्स हमारे सामने रख रहे हैं, उनका बुनियादी उद्देश्य है ये कहना, अगर हर्ड इम्यूनिटी पैदा करना है, उनका कहना यह है कि 15%, 20%, 25% भी हो जाएगा, 60-70% की जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संख्या है जो बीमार पड़ेगा ही नहीं। तो ये जो बुनियादी बात वो कहना चाहते, उसका कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया। उनकी अगर पेपर आप पढ़ेंगे, इस पे एक सेक्शन होता है जिसे कहते हैं हमारा बेसिस क्या है इस निष्कर्ष पे पहुंचने का, तो उसपे देखेंगे कि खास कोई ऐसे मुद्दे उन्होंने अपने सामने नहीं रखा जिसके जरिए हम बता पाएंगे कि किस आधार पे इस मॉडल को उन्होंने स्थापित किया है, उनसे कौन सी डेटा है, कौन सी डेटा की सोर्स है, ये कोई इसमें इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसके बाद मॉडल के अंदर हम देखेंगे कि पैरामीटर्स है जो 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना बदल गए हैं इस मॉडलिंग पीरियड के दौरान। तो इस तरह से मॉडल अगर बनेगी जिसपे पैरामीटर्स जिसे कहते हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी रफ्तार से किस तरह बीमारी बढ़ रही है या घट रही है, वो अगर मॉडलिंग पीरियड में इतना बदलेगा तो कोई भी मामूली सी मॉडल करने वाला भी जो निष्कर्ष पे आप पहुंचना चाहते हैं उस निष्कर्ष में आपको पहुंचाने में सफल हो जाएगा। तो लगता है कि इस मॉडल को देखते हुए लगता है कि सरकार को खुश करने के लिए उन्होंने ये मॉडल बनाया है, और इसीलिए इस मॉडल की अहमियत इतना ही है कि ये सरकार का तारीफ करता है और बताता है 3 महीने में सब ठीक हो जाएगा, 3-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा। जबकि हमने जो दूसरे देशों को मुल्कों के बाद आपके सामने चित्र रखा, ग्राफ रखा, उसमें हम देखे हैं कि कई पीक्स आ सकते हैं, और खास तौर से जो बड़े मुल्क है जैसे हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, तो एक जगह पे बीमारी फैलती है, वहां घटती है, दूसरे जगह में फैल सकती है, और जिस जगह पर बीमारी फैली थी वहां भी दोबारा फैल सकती है। इटली, स्पेन में हम यही चीज देख रहे हैं, जहां पर जिन शहरों में पहले बीमारी आई थी, बढ़ी थी, वहां फिर सेकेंड वेव देखने को मिल रहा है। हम दिल्ली में खास तौर से देख सकते हैं कि हमारी वेव आई, 4000 से ऊपर गई, इसके बाद कम हुई, इसके बाद फिर सेकेंड वेव आई हुई है इस वक्त, जबकि 4000 से ज्यादा फिर नए केसेस देखने को मिल रहा है। इसीलिए यह चीज बताना कि ये इस तरह से हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि एक जगह पर पीक आ गई, वहां पर दूसरी बार नहीं आएगा, ये भी गलत है। और ये कहना कि देश के पैमाने पे हमारे यहाँ पर 1.3 बिलियन लोग रहते हैं, यहाँ पर कहना
कि पूरे देश के पैमाने पे एक ही रास्ते से एक मॉडल बता सकती है, दिल्ली में क्या होगा, चेन्नई में क्या होगा, ये तो बिहार के गांव में क्या होगा, ये भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वहां पर महामारी जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे फैल रही है, और इसीलिए इसको इस तरह से प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है। इसीलिए इसको बताना कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं एक मैथ मॉडल के आधार पे, हर जगह पे जिन्होंने ये कोशिश किया है इसमें नाकाम रहे हैं, और इसमें हमने जो बताया सिर्फ सरकार को बहवाही करने के अलावा इस मॉडल का और मकसद हमें नजर नहीं आता, ना कि इस पे कोई यूजफुलनेस नजर आ रही। इस पेपर में ये भी कहा गया है कि हमको क्या क्या कदम उठानी चाहिए बीमारी को रोकने के लिए। उन सब कदमों से कोई मतभेद नहीं है, वो तो पहले से सरकार भी कहती आई है, हम भी कह रहे हैं, दूसरे लोग भी कह रहे हैं, हर विशेषज्ञ यही कहता है, तो इसमें कोई अलग निष्कर्ष पे वो नहीं पहुंचे। इन्होंने नहीं कहा कि बीमारी उमारी कम हो रही है, आप जैसे आजाद हो, जैसे करना चाहो वो कर लो। उन्होंने कहा नहीं, मास्क पहनना चाहिए, दूरी रखना, सामाजिक दूरी रखना चाहिए, टेस्टिंग करनी चाहिए, टेस्ट होगा तो सोशल आइसोलेशन करना चाहिए। ये सब कदम उन्होंने बताए हैं जो हम लोग हर रोज सुन रहे हैं और हम भी बताते आए हैं, पर ये बात कहना कि सरकार ने सब कुछ ठीक किया, अब ठीक होने जा रहा है, ये निष्कर्ष लगता है सिर्फ सरकारी बहवाई के अलावा और इस पे कुछ है नहीं। आज के लिए इतना ही, बातचीत हम जारी रखेंगे और आपके सामने अगले बार वैक्सीन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त वैक्सीन कैसे आएगी, किसके पास आएगी, कहाँ दी जाएगी, तो सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं, बट एक्चुअली यथास्थिति क्या होगी, रियलिटी क्या होगी, उसके बारे में अगले बार चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, देखते रहिएगा न्यूज़ क्लिक। Thank you.